अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्नेक सेवर ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, आज ये मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य मकसद ये है कि कैट स्नेक और सास्केल वाइपर में फ़र्क क्या है। देखिए, कैट स्नेक और सास्केल वाइपर को लेके बहुत से रेस्क्यूअर्स और नए यंग कमर्स और बहुत से लोगों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो उनको बहुत सारा नॉलेज देगा, उनको जानकारी मिलेगी कि कैट स्नेक और सास्केल वाइपर में फ़र्क क्या है। कैट स्नेक जो है सेमी वेनमस, माइल्ड वेनमस होता है। कैट स्नेक का अगर बाइट हुआ तो इंसान की जान को कुछ खतरा नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक टीटी इंजेक्शन तो जैसे हर नॉन वेनमस स्नेक का अगर बाइट हुआ तो भी एक टीटी इंजेक्शन लेना बहुत सेफ साइड रहेगा। वैसे ही सास्केल वाइपर हाईली वेनमस इमोटॉक्सिक वेनम रहता है। अगर सास्केल वाइपर का बाइट हो गया तो इंसान की जान 100% जा सकती है, अगर वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल नहीं गया तो, क्योंकि सास्केल वाइपर जो है इमोटॉक्सिक वेनम रहता है। तो देखिए, ये सास्केल वाइपर और कैट स्नेक, ये दोनों स्नेक इधर है। ये जो है ये सास्केल वाइपर, ये सास्केल वाइपर का देखिए उसका उसका स्टाइल ऐसा रहेगा, और ये कभी भी ये जलेबी जैसा रहती वो हिसाब में रहेगा। जब भी अटैक करने के पोजीशन में रहता तो ये अपने आपका बदन लगड़ के उसका एक आवाज़ निकालेगा। ये देखिए आवाज़ निकालेगा, ये अपना शरीर को लगड़ के पोजीशन में रहेगा। ये इसका बाइटिंग स्पीड जो है एकदम फास्ट होता है, इसको कभी भी कोई जज नहीं कर सकते। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये दिखने में सही छोटा है मगर इसका वेनम जो है बहुत हाईली वेनमस, जो रसल्स वाइपर रहता है ना वही वेनम इसको पाया जाता है इमोटॉक्सिन में। अभी देखिए इसकी गर्दन जो है सेम, इसकी गर्दन भी जो है यू शेप में रहेगा, और आँख में जो इसका लाइन रहेगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा सास्केल वाइपर है ना साइज में छोटा रहेगा। इसकी खासियत, इसको पहचान जो है मेन, इसकी पहचान इसके देखिए ये दुम के पास इसका जो वेंटिलेशन है ना, देखिए ये वेंटिलेशन के बाद एकदम छोटा, उसका वेंटिलेशन के बाद छोटी दुम रहेगी। ये देखिए इधर इसका वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन के बाद ये देखिए दुम एकदम छोटी है। ये तो ये मेन इसका पहचान है, और इसका स्केल्स पे जो है इसको उसको फ़र्क ये है स्केल्स में, उसके ट्रायंगुलर स्केल्स आएंगे इसमें, राउंड थोड़े पैचेस में, हाफ राउंड ऐसा करके ये पूरा लास्ट तक, और दोनों साइड में बॉर्डर रहेंगे इसके। इसका नक्श जैसे कि कारपेट जो रहता हमारे घरों में, कारपेट जो बिछाते हैं हम, वो कारपेट का डिज़ाइन रहेगा इसके ऊपर, पैटर्न रहेगा। तो ये पहचान है इसकी। इसी तरीके से अभी देखिए ये कैट स्नेक, जो कैट स्नेक है ये देखिए इसका भी पैटर्न सेम, लगभग पैटर्न सेम रहेगा। इसके जो है आँख जो है सेम जो है वही आँख रहेंगे, इसके आँख देखिए उसी प्रकार से सेम आँख रहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा। मगर क्या है फ़र्क इसका, वही सेम इसका जो ऊपरी भाग में, ऊपर के हिस्से में जो इसका पैटर्न रहेगा ये ट्रायंगुलर डिज़ाइन रहेगा। ये देखिए ये जो भी नक्श बने हैं ये ट्रायंगुलर में रहेगा, ये जस्ट लाइक ए वी में रहेगा। तो ये इसकी पहचान है। और एक ख़ास बात इसको पहचानने के लिए, देखिए इसका वेंटिलेशन, देखिए दुम के पास इसका वेंटिलेशन के बाद देखो दुम इसकी बड़े रहेगी, दुम बड़ी रहेगी, तो यही इसकी ज़्यादातर पहचान है। और बहुत से जो यंग कमर्स है इनको फ़र्क मालूम नहीं होता, और ये तो साइज़ में अभी छोटा है, बड़े भी इसमें कैट स्नेक रहते हैं,
और इसमें उसमें ये थोड़े चीज़ा इसका फ़र्क हो गया। इसके अलावा और एक ख़ास बात क्या है बोले तो, ये दोनों के बीच और एक ख़ास बात ये है। ये जो है कैटस्नेक जो है, ये ज़्यादातर बुशी एरिया में झाड़ों पे पेड़ों पे पाया जाता है, और ये सॉस्केल वाइपर जो है ज़्यादातर ये पहाड़ी इलाके में ऐसे जगह में पाया जाता है। तो ये दोनों का फ़र्क ये है, ये हाईली वेनमस है, ये माइल्ड वेनमस है, जो सेमी वेनस वेनमस के नाम से इसको कैटस्नेक को जाना जाता है। तो ये दोनों में अंतर ये है। थैंक यू। Nothing can stop me, I'm all the way.